हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सो के भी देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी जो आपका मुजफ्फरपुर में है, देखिए उसका बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम आपका 29 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, समझे 29 अगस्त से। तो देखिए उसमें एक सबसे बड़ा डाउट क्या है आप लोग का, देखिए 5 तारीख तक जमा करना था आप लोग का जो सी टेट का और जो बीएड फर्स्ट ईयर का मार्कशीट और एडमिट कार्ड जमा करना था। देखिए उससे अब आप लोग का मन में एक डाउट होगा कि सर हम लोग का एग्ज़ाम क्या 29 तारीख से पहले होगा कि अलग होगा, साथ में होगा, क्या होगा, समझे। तो देखिए आपको बताते हैं सब चीज़, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमको जहाँ तक लगता है 90% चांस, समझे, कि आप लोग का एग्ज़ाम जो होगा 29 तारीख से ही होगा। लेकिन हो सकता है कि आप लोग को जितने भी लोग सी टेट पास किए हैं वो लोग को जहाँ सेंटर आप लोग को दे, समझे, अभी सेंटर डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ कहाँ सेंटर होगा, 29 से ही आप लोग का एग्ज़ाम होगा। और हो सकता है कि आप लोग का साथ में एग्ज़ाम लेकर और रिजल्ट क्या करे, पहले जारी कर दे, जिससे आप लोग जो सी टेट का जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें जो 7वां चरण आने वाला है उसमें आप लोग क्या हो जाए, शामिल हो सके, समझे। तो आप लोग का साथ में एग्ज़ाम हो सकता है कि जहाँ सेंटर पर है आप लोग जो भी जितना भी कैंडिडेट हो उन लोग को अलग बैठा है, क्योंकि उन लोग का अलग कॉपी लेकर जांच करके जल्दी रिजल्ट देना है, समझे। तो जहाँ भी जो भी लोग सीटेट पास है, देखिए आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं, मान लेते हैं कि एक बार आप लोग का एग्ज़ाम अलग ही ले लेते, लेकिन लेगा नहीं, क्योंकि उसमें परेशानी बहुत ज़्यादा है, जगह का अभाव है, क्वेश्चन फिर दूसरा प्रिंट करवाना होगा, समझे, फिर गार्डिंग इज मतलब तरह तरह के बात है, ज़्यादा दिन है नहीं, समझे। इसीलिए आप लोग का क्या होगा कि साथ में एग्ज़ाम नहीं होगा, 29 तारीख से ही होगा, लेकिन रिजल्ट पहले जारी कर दिया जाएगा, समझे, जिससे आप लोग सीटेट में आ जाए, समझे। बहुत तरह का फ़ायदा है सीटेट में है, और तरह का आपको पीजी में मेट बहुत तरह जिनको जिनको जहाँ से करना होगा उनको फ़ायदा होगा, समझे। अब लोग बहुत लोग डर रहे हैं कि सर साथ अलग एग्ज़ाम लगा था फेल करा देगा, क्या क्या दिस तरह का बात छो रहा है। देखिए डरिए नहीं, जब तक रिक्स नहीं लीजिएगा ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है, एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, ज़िंदगी में रिक्स लेना बहुत ज़रूरी चाहिए। मान लीजिए रिक्स लीजिए सर 7वां चरण में जॉब हो जाएगा, तो छोटा मोटा बात समझ रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आपका जॉब लगना 7वां चरण में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जो लोग 20-22 सेशन में है, समझे। इसीलिए मौका को गंवाइए नहीं, थोड़ा रिक्स जरूर लीजिए, ज़िंदगी जब तक रिक्स चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा तब तक ज़िंदगी आपका अच्छा नहीं बीतेगा, इसलिए ज़िंदगी में रिक्स लेना सीखना चाहिए, समझे। तो इसीलिए आप लोग का जो एग्ज़ाम है जहाँ तक साथ में होगा, दूसरा चीज़ क्या है कि आप लोग को पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, समझे। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आराम से पढ़ाई का तैयारी कीजिए, जो कुछ बचा हुआ है नोट्स तो अपलोड कर देंगे जल्दी ही, समझे, तो आप लोग तैयारी में एकदम लग जाइए, समझे।